साइंस क्लासेस बाय रंजीत कुमार में आप सभी का स्वागत है। आप सभी आज पढ़ने जा रहे हैं वैक्सीन के बारे में। यहाँ हम लोग जानने जा रहे हैं कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो हमारे जीवन में दोस्त की तरह व्यवहार करता है, एक अच्छे साथी की तरह व्यवहार करता है कैसे, तो उसमें वैक्सीन हम लोग ने आज पढ़ना है। इससे पहले हम लोगों ने एंटीबायोटिक्स जाना और हम लोगों ने जाना कि ईस्ट और आपके और सारे जो वायरस जो भोजन में इस्तेमाल होते हैं उन सॉरी बैक्टीरिया जो होते हैं या माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो किस तरह से फ़ायदा करते हैं। आज हम लोग जानेंगे ये हमें बड़ी बड़ी बीमारियों से भी बचाते हैं, स्पेशली वायरल डिजीज से, वो कैसे होता है, उनके वैक्सीन कैसे तैयार हुए थे, ये सब हम लोग आज अपने स्तर तक हम लोग जानेंगे। चलिए तो आज शुरू करते हैं आज की पढ़ाई। तो है पहला है क्या, When a disease carrying microorganism enter our body, the body produce antibodies to fight. जैसे ही कोई शरीर में हम लोग के डिजीज आता है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के चलते हुआ होगा, वो हमारे शरीर में एंटीबॉडीज हमारा शरीर बना लेता है उस इन्वेंडर यानी बाहरी बैक्टीरिया से या वायरस से। द बॉडी ऑल्सो रिमेंबर हाउ टू फाइट, तो बॉडी जो है वो सीखती है ना कैसे लड़ा जाए माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सो इफ़ डेड और वीकेंड माइक्रोब आर इंट्रोड्यूस इन अ हेल्थी बॉडी, द बॉडी फाइट एंड किल देम बाय प्रोड्यूसिंग सूटेबल एंटीबॉडीज। तो शरीर जो है जैसा भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म शरीर में आ जाता है तो उससे लड़ने के लिए अपने उसके मैंने विरोध में एक एंटीबॉडीज तैयार करती है जिससे वह उसको फाइट करता है, उसको किल कर देता है। द एंटीबॉडीज रिमेन इन आवर बॉडी एंड वी आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स। दिस इज हाउ ए वैक्सीन वर्क। जैसे ही कोई बीमारी होती है तो फाइट करता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म और क्या कहता है उसको अल्टीमेटली ख़त्म कर देता है। इसको हम लोग बोलते हैं वैक्सीन जो है हम लोग का काम कर गया और हम लोग ठीक हो जाते हैं। सर्वल डिजीज इंक्लूड कॉलरा, ट्यूबरकुलोसिस, क्लोसिस, स्मॉल पॉक्स, हेपेटाइटिस, ये सारे के सारे वैक्सीन आजकल इसके आ गए हैं जो बचपन में ही मिल गए होंगे आपको आई थिंक। एडवर्ड जेनर डिस्कवर्ड द वैक्सीन 1792-98। तो इन्होंने स्मॉल पॉक्स का जो है वैक्सीन बनाया। स्मॉल पॉक्स को मैया जी और कैची कैची के नाम से हमारे यहाँ विख्यात है, लोग पूजा पाठ करते हैं, झाड़ फूँक करते हैं और इसका इलाज करते हैं, लेकिन इसकी वैक्सीन आ चुकी है, ये वैक्सीन लगा देने पे ठीक हो भी हो जाता है। तो इन्होंने क्या किया, जेनर डिस्कवर किया इन्होंने, इन्होंने देखा कि जो आपके स्मॉल पॉक्स के बैक्टीरिया थे वो उन लोग को नहीं होते थे जो काउ बॉयज थे, अगर हिंदी बोला जाए तो जो ग्वाले थे, जो गायों की सेवा करते थे, गौपाल हुआ करते थे, उनको ये बीमारी नहीं होती है, क्योंकि वो क्या करते हैं कि गांव में या गाय के जो संसर्ग में रहते थे तो इनके शरीर में काउ पॉक्स जो है वो इंटर कर जाता था और ये काउ पॉक्स जो है स्मॉल पॉक्स के एंटी एजेंट होते हैं, तो उसी से इन्होंने एक वैक्सीन तैयार कर दिया स्मॉल पॉक्स के लिए। इन चाइल्डहुड यू मस्ट हैव बीन given injection to protect yourself against several diseases. Can you prepare a list of these diseases? You may take help your parents. आप एक काम कर सकते हैं, नेट पे भी सर्च कर सकते हैं, उस पर वैक्सीन लिख सकते हैं, वैक्सीन ऑफ मैंने नेम ऑफ वैक्सीन, डिफरेंट डिफरेंट वैक्सीन जो कि बचपन में ही मिल जाते हैं, ठीक है, ऐसा करके आप गूगल पर सर्च करेंगे नेम ऑफ वैक्सीन ड्यूरिंग चाइल्डहुड, ऐसे करके लिखेंगे, या नेम द वैक्सीन विच इज टेकन बाय इन्फेंट, जो नवजात बच्चों को मिलता है या बच्चे को मिलने वाले जो वैक्सीन होता है WHO वैक्सीन, वो सब जैसे टाइप करते हैं तो सारे वैक्सीन का नाम आ जाएगा। चलिए और आप जान जाएंगे, इट इज़ एसेंशियल टू प्रोटेक्ट ऑल चिल्ड्रन अगेंस्ट द डिजीज, नेसेसरी वैक्सीन आर अवेलेबल इन नियर बाई हॉस्पिटल, यू माइट हैव बीन सीन एडवर्टीजमेंट ऑन टेलीविजन न्यूज़पेपर रिगार्डिंग प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट पोलियो। पोलियो का ज़्यादा आपने नाम सुना होगा, दो बूंद जिंदगी है ना, उसका खुराक दो बूंद वाला,
पल्स पोलियो प्रोग्राम चलता है बच्चों के लिए, वैक्सीनेशन का ए वर्ल्ड वाइड कैंपेन अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स, स्मॉल पॉक्स का भी चला था कभी, और एक्सट्रेडिकेशन एंड मोस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड दिस वैक्सीन आर मेड ऑन द लार्ज स्केल ऑफ फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से तैयार किया जाता है, प्रोटेक्ट ह्यूमन एंड अदर एनिमल फ्रॉम सेवरल डिजीज, तो लोग को डिजीज से बचाने के लिए कारगर होता है। अब हम लोग जानेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म फर्टैलिटी कैसे बढ़ाते हैं। एक आवश्यक सूचना ध्यान दीजिएगा, ऐसे जो आपके ये अभी COVID-19 जो फैला है, आपका कोरोना वायरस जो है, इसकी वैक्सीन अभी ट्रायल पे है या फिर कुछ दिनों में आ भी जाएगी, तो वही क्या है कि ये भी वैक्सीन उसी तरह से तैयार की गई है जैसे आपके एक वैज्ञानिक जिनका नाम था जेनर, एडवर्ड जेनर, उन्हीं की तरह ही उनकी बातों को फॉलो करते हुए उसके एंटी वायरस से ही तैयार किया जा रहा है, ऐसा डेवलप किया जा रहा है। तो इसमें समय लगता है क्योंकि वैक्सीन डेवलप तुरंत नहीं होता है, काफ़ी रिसर्च के बाद आता है। तो वही क्या है, COVID-19 का वैक्सीन आ जाने पर उसका टीका वगैरह सबको लगेगा, इन शुरू में हो सकता है कि बच्चे को दे दिया जाए, इससे क्या होगा कि उसको आजीवन कोरोना नहीं होगा। चलिए तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, कल हम अगले बार जो हम लोग रिविजन करेंगे तो हम लोग जानेंगे इंक्रीज फर्टैलिटी। इस वीडियो को ध्यान से देखें और शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।